हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विदर्स मॉम ब्लॉग। सो मैं सतना से आ गई हूँ यहाँ विजराहोगढ़, और हमारे साथ मेरी अम्मा भी आई हैं। और यहाँ पे आज चना की भाजी खरीदी है, तो उसी को अम्मा बनाने वाली हैं। तो मुझे लगा कि आज मैं इसका ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी अम्मा ने बस भाजी को झाड़ा है, उसको पहले मतलब अच्छे से झाड़ते हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो भी छोटे छोटे से कीड़े होते हैं वो अच्छे से साफ़ कर लें, और उसके बाद उसको काटते हैं। तो अभी अम्मा मेरी भाजी काट रही हैं और उसके बाद बनाएंगी। तो आज मैं इसी का पूरा ब्लॉग बनाऊंगी और साथ ही मैं घर के पूरे काम भी करूंगी। जा रहे हैं लकड़ी लेने चूल्हा जलाने के लिए। आओ इसको शूज पहना दे, इधर काम बैठिए, इधर बैठ जाओ, बैठो इधर को शूज पहन। बहुत थक गई हूँ यार, छह ईंट उठाने में हालत ख़राब हो गई। इसको ऐसे उठा के ऐसे खींचना पड़ रहा है। सो गाइस, ये जो सामान है लकड़ी और कंडा और ईंट, ये सब सामान मैंने और अम्मा ने आसपास से लेके आया है ताकि हम चूल्हे में भाजी बना सकें। और वैसे तो गैस पे भी भाजी बनाई जा सकती है, बट चूल्हे में जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी अम्मा आग जला रही हैं और उसके बाद भाजी बनाएंगी। बेटी दूर हटो, जल जाओगे। क्या क्या डाल रही हैं अम्मा भाजी के बघार में, बता दीजिए। अच्छा, ठीक है, ये सरसों का तेल गर्म हो गया है। हाँ, फिर उसके बाद डालेंगे भाजी, चने की भाजी, चने का साग, पानी। चावल भी डालते हैं, ज्यादा तो नहीं होगा चावल, तो नहीं भाजी है नवा वाला चावल। सो फ्रेंड्स, जब लहसुन और मिर्ची, मेथी और हींग गरम हो जाए, मतलब थोड़ा सा तड़क जाए, उसके बाद डालते हैं थोड़ा सा कच्चा चावल। ये अम्मा चावल साफ कर रही हैं। हाँ, जल गया, डाल दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें चावल डल गया है।
अब इसको चला दिया जाएगा छन्नी से। जी बना रही हैं तो जब तक मैं जा रही हूँ नहाऊंगी और कपड़े धुलूंगी, बाकी का ब्लॉग फिर मैं आगे शेयर करूंगी। तो ये भाजी डाल दी अम्मा ने, उसके बाद लास्ट में डाल देंगी पानी और इसको ऐसे ही पकाते रहना है। आगे की प्रोसेस फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए दोस्त, लास्ट में आटा लगाया जाता है जिससे भाजी का जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाए। और ये देखिए भाजी बनके रेडी हो गई है और उसके बाद बनेगी रोटी। तो हम लोग खाएंगे भाजी रोटी और चावल भी बन रहा है नीचे। धूप में परेशान हो गए अम्मा भाजी बना बना के, पर मेरे को खाना था इसलिए बना। और ये देखिए छत पे मैंने अभी कपड़े डाले हैं, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, बस लास्ट काम बचा है नहाना। सो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ छत कि अम्मा ने क्या बनाया है। बहुत ही थकान लग रही है। ये बन रही है रोटी, पोई रोटी बना रही हैं अम्मा। अब इसके बाद खाएंगे खाना, धूप भी लग रही है बहुत। सो फ्रेंड्स, फाइनली भाजी रोटी हमारी बन के रेडी हो गई है और अभी हम जाएंगे खाना खाने। सो मेरा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फाइनली अब मैं